हम बात कर रहे हैं मोरप्पन लैब की। आज के दिन की बात करें तो छोटे मोटे अपसाइड के साथ फिलहाल स्टॉक 80.74 रुपीज़ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। स्टॉक के ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। अपने अप ट्रेंड में स्टॉक ऊपर की ओर सस्टेन होता नज़र आ रहा है, लेकिन 100 के लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद से देख सकते हैं गिरावट आई, जंप अगेन गिरावट, तो लो ब्रेकडाउन किया है, जंप आया, इस हाई को ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं हो पाया, रिजेक्शन लिया और लो ब्रेकडाउन करता नज़र आया। जहां इससे पहले सपोर्ट लेके 100 तक का जंप दिखाया था, उसी सपोर्ट पर 74-75 के सपोर्ट पर सपोर्ट लेकर एक जंप देखने के लिए मिला, लेकिन जंप के साथ इस हाई को 90-92 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, रिजेक्शन के साथ बड़ी सेलिंग देखने के लिए मिल रही है। हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि नीचे की ओर 80 का सपोर्ट अब इमीडिएट सपोर्ट है, उसी सपोर्ट पर स्टॉक इस वक्त हमको सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है, लेकिन बड़ी सेलिंग स्टॉक में देखने के लिए मिली थी ऑलमोस्ट 88 के ही लेवल से, तो 80 इमीडिएट सपोर्ट है। नेक्स्ट ब्रेकडाउन कर जाता है तो अगला सपोर्ट बनेगा 76 का लेवल और मेजर सपोर्ट रहेगा 70-72 का लेवल, जहाँ से बड़ी गिरावट के साथ बाउंस बैक किया है। जब तक इसके ऊपर है तब तक अपसाइड के चांस, अपसाइड की उम्मीदें मोरप्पन लैब में बनी हुई है। अब स्टॉक बाउंस बैक करता है तो इमीडिएट टारगेट है जो इसका हाई है जहाँ से रिजेक्शन लिया 88 का लेवल, एटलीस्ट इस लेवल को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग भी मिल जाती है तो वैसी सिचुएशन में अप ट्रेंड के चांस बनेंगे। फिर जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा 90-92 के लेवल पर करेगा, जहाँ से 2-3 दफ़ा स्टॉक ने रिजेक्शन दिखाया। अगर 88 के ऊपर क्लोजिंग देके इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो उसके बाद फिर लगातार अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन 9800 तक का फिर जम दिखा सकता है। ये जो लेवल है फिर इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, इसके आसपास फ्रेश बाइंग को अवॉइड करके चलना ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।